फिर आप खुश हो गए होंगे जिस तरह की साइम अयूब ने इनिंग्स खेली, अब्दुल्ला शफीक ने उसका साथ दिया, साइम अयूब ने कैरियर की पहली वनडे सेंचुरी भी बनाई, शाबाश साइम अयूब। लेकिन अब भी आप पर सवालिया निशान बरकरार है कि आप अपनी इनिंग्स को 3 figures में बदल सकते हैं अगर आप चाहें। अगर आप गैर जिम्मेदाराना शॉट्स खेलेंगे तो फिर आपकी कारकर्दगी में तसलसल नहीं आएगा। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को आज 10 विकेटों से जब शिकस्त दी तो एक मरतबा फिर जो पाकिस्तान क्रिकेट का ग्राफ है वो काफी ऊपर चला गया है। ये हमेशा कहते हैं कि जब कामयाबी मिलती है तो फिर उससे आपके खिलाड़ियों का मोराल बुलंद होता है, और मोराल बुलंद होता है तो फिर कौम की भी तवक्कात आपसे वाबस्ता हो जाती हैं। बिल्कुल इसी तरह जब हम चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए अब पूरी कौम की तवक्कात आईसीसी से वाबस्ता है कि आईसीसी इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से अहम फैसला करेगा, क्योंकि आईसीसी ने ये इवेंट पाकिस्तान की मेजबानी में दिया है और पाकिस्तान इसकी मेजबानी भी करना चाहता है और पूरे भरपूर तरीके से करना चाहता है, क्योंकि दुनिया भारत के सवाय दुनिया की तमाम टीमें पाकिस्तान में होम सीरीज खेलकर जा चुकी हैं और किसी को सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं हुआ। इस वक्त भी श्रीलंका की ए टीम पाकिस्तान में पाकिस्तान ए के खिलाफ मैचेस रावलपिंडी में खेल रही है। ऐसे में जिम्बाब्वे का दौरा भी पाकिस्तान के लिए बड़ी अहमियत का हामिल था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सिलेक्शन कमेटी ने इस दौरे में पहले 2 मैचों में 5 खिलाड़ियों को डेब्यू दिया। पहले मैच में 3 खिलाड़ियों को, फैसल अकरम, फास्ट बॉलर आमिर जमाल और विकेट कीपर बैट्समैन हसीबुल्ला को डेब्यू दिया गया। आज फिर 2 खिलाड़ियों को डेब्यू दिया गया। वो 2 खिलाड़ी कौन थे? हमने पहले भी आपको कहा, तैयब ताहिर और इब्रार अहमद मिस्ट्री ऑफ स्पिन बॉलर हैं, उनको आज डेब्यू दिया गया और डेब्यू पर उन्होंने आज 4 खिलाड़ियों को भी आउट किया। पहले मैच में क्या हुआ था, मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि हमारी टीम को पहले मैच में क्या हुआ था कि वो किसी तौर पर भी वहां पर अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर पाई और वहां पर पाकिस्तान को 80 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। बेशक वो डकवर्थ लुईस कानून के तहत पाकिस्तान को शिकस्त हुई। हमेशा कहता हूं कि जब आपने टॉस जीता था तो आपको यह भी पता था कि वहां पर बारिश होनी है और बारिश से यह मैच मुतासर होना है। आज पूरी दुनिया में साइंटिफिक सारी चीजें हो चुकी हुई हैं, पता होता है कि कितने बजे कितनी देर की बारिश होनी है, फिर भी पाकिस्तान ने वो टॉस जीतकर गलत फैसला किया। मोहम्मद रिजवान, उनको नई नई कप्तानी मिली है, कुछ गलत फैसले भी करेंगे, कुछ अच्छे फैसले भी होंगे उनकी तरफ से देखने को मिलेंगे, लेकिन आज की जीत का ये मतलब नहीं है। पाकिस्तान के पास एक विनिंग कॉम्बिनेशन बन गया है। पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी तक अपने कॉम्बिनेशन को मजबूत करने के लिए तमाम खिलाड़ियों को आजमाना होगा। देखें, आपने 5 डेब्यू दिए, हसीबुल्ला बगैर कोई रन बनाए आउट हुए, आमिर जमाल ने भी डेब्यू पर विकेट हासिल की, आज भी वो विकेट लेस रहे, लेकिन जिस तरह इब्रार अहमद ने स्पिन बॉलिंग की, स्पिन का जादू सर चढ़कर उनका बोला और उन्होंने जिम्बाब्वे टीम को 150 रन भी नहीं करने दिए। हम इसी किस्म की अपनी पाकिस्तान टीम से कारकर्दगी की तवक्को करते हैं कि जब वो मैदान में आए तो ना सिर्फ बॉलिंग फील्डिंग बल्कि बैटिंग में भी शानदार कारकर्दगी दिखाए। आज साइम अयूब ने 17 चौके लगाए और 3 छक्के लगाए और उनकी शानदार इनिंग थी। शायद ये उनके कैरियर की अभी तक, क्योंकि 5वां वनडे इंटरनेशनल मैच खेल रहे हैं और जिसमें वो पहली सेंचुरी बनाने में कामयाब हुए हैं। अल्लाह करे हमारे ये बैट्समैन, हमारे ये खिलाड़ी आगे चलकर भी अपनी कारकर्दगी का तसलसल बरकरार रखे। बड़ा खिलाड़ी बनने के लिए आपको अपनी कारकर्दगी में तसलसल लाना होगा और ये तसलसल उसी सूरत में आ सकता है जब आप रन करेंगे, ऊपर तले आप रन करेंगे।
बाबर आजम का नाम क्यों है आज दुनिया में कि हर टॉप खिलाड़ी उनका नाम लेता है, क्यों वह आज टॉप बल्लेबाज है, कि उसने परफॉर्म किया अपने बैट से रन्स किए, ना कि उसने दोस्ती जारी बल्कि तल्लुकात कायम किए, बल्कि उसने बल्ले के साथ रन्स किए और रन्स करके उसने अपना नाम अपना लोहा बनवाया। अब साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, सलमान अली आगा, मोहम्मद रिजवान, इसी तरह जो शामिल किए गए हैं बाबर आजम की जगह पर जिनको शामिल किया गया है वन डाउन की सूरत में वो खेलते हैं, अभी उनको मौका दिया गया, उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी चैंपियंस कप टूर्नामेंट में भी सेंचुरियां स्कोर की। मैं बात कर रहा हूं कामरान गुलाम की। कामरान गुलाम भी पाकिस्तान का एक मुस्तनद बल्लेबाज है, अगर वो खिलाड़ी अपनी कारकर्दगी अपने फुटवर्क पर काम कर ले तो वो भी पाकिस्तान का एक बड़ा नाम बना सकता है, लेकिन ये किसी और ने नहीं करना, कामरान गुलाम ये आपने करना है। बहरहाल पाकिस्तान ने आज जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरा मैच 10 विकेटों से जीता, सीरीज का तीसरा मैच भी इसी मैदान में खेला जाना है, लिहाजा अब आपको यहां का माहौल कंडीशन से आप आम अंग होंगे और जुमे रात को ये मैच खेला जाना है। जुमे रात को पाकिस्तान टीम अगर ये मैच जीत लेती है तो ट्रॉफी पाकिस्तान के नाम होगी और पाकिस्तान को अब मजीद तब्दीलियां करने की जरूरत है या नहीं। टीम मैनेजमेंट हेड कोच आकब जावेद को मुबारकबाद कि पहले मैच में उनकी टीम को शिकस्त हुई और दूसरे मैच में उन्होंने कमबैक किया और शानदार कमबैक किया। लगता है कि आकब जावेद ने खिलाड़ियों को कुछ ट्रेन किया होगा, कुछ इनको इनकी ट्रेनिंग की होगी और अगर की है तो उसका नतीजा ये आपने देख लिया है। आपने बेहतरीन कम्बिनेशन बनाना है और कम्बिनेशन उसी सूरत में बनेगा जब बैटर अपनी कारकर्दगी पर, बॉलर अपनी कारकर्दगी पर फोकस करे। सलमान अली आगा पाकिस्तान टीम के नायब कप्तान है और उनकी नायब कप्तानी के दौर में उनकी कोई अच्छी इनिंग्स नहीं है। उम्मीद तो ये की जा सकती है कि आइंदा वो जो तीसरा मैच है उसमें वो बैट के जरिए भी कुछ रन्स करेंगे अगर उनकी बारी आई, वरना तो अब मैं समझता हूं जिस तरह हमारा ओपनिंग जोड़ी चल पड़ी है तो अब तो इसको मजीद रन्स करने जाए इसके इत्माद में इजाफा हुआ होगा आज जिस तरह की उन्होंने शॉट्स खेली हैं, तो आइंदा मैच में भी अगर वो इसी तरह परफॉर्म करते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान ये सीरीज अच्छे मार्जिन के साथ अपने नाम ना कर सके। बहरहाल बाबर आजम को इस सीरीज में रेस्ट दिया गया है, अब इन खिलाड़ियों पर कामरान गुलाम, हसीबुल्ला, सलमान अली आगा, ऊपर से अपना अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब, ये वो खिलाड़ी हैं जिनको जिन्होंने परफॉर्म करके अपनी इंतखाब को दुरुस्त साबित करना है। आने वाले दिनों में आने वाले मैचेस में ये किस कदर अपने अपने इंतखाब को दुरुस्त साबित करते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन मेरी अभी तक वीडियो यहीं पर थी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके साथ साथ मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है अपने कीमती राय भी मुझे दें। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से आप क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान में हो या हाइब्रिड मॉडल के तहत हो? वैसे तो मैं पहले वीडियो कर चुका हूं कि हाइब्रिड मॉडल ही इसका बेहतरीन हल है जो मौजूदा सूरत हाल है, लेकिन पाकिस्तान को पूरा हक है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम भारत समेत तमाम मैचेस यहीं पर लाहौर में, करपिंडी में, कराची में करवाए। आईसीसी ने फैसला करना है अगले दो रोज बाद 29 तारीख को आईसीसी ने अपनी बोर्ड मीटिंग भी तलब कर ली है इसी सिलसिले में कि चैंपियंस ट्रॉफी का फैसला किया जा सके। अगली वीडियो तक आप लोगों से इजाजत चाहूंगा मगर आपकी कीमती राय का मुझे इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफिज़।